आइए क्वेश्चन नंबर 32 से लिखा हुआ एक मैन ए मैन गिव 1/3 पार्ट ऑफ टोटल एसेट मतलब कुल धन का 1/3 भाग बड़े पुत्र को देता है, 2/5 भाग यहाँ क्या लिखा हुआ है रिमेनिंग यानी बचे हुए का 2/5 भाग छोटे पुत्र को देता है एंड 3/5 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग इज वाइफ एंड रिमेनिंग 24 lakhs कीप्स हिमसेल्फ देन हाउ मच एसेट ही हैड। बोला गया है कि एक आदमी के पास कुछ धन था, उसका 1/3 किसका देता है बड़ा का, और उसको देने के बाद जो बच गया उसका 2/5 देता है किसका छोटा को, फिर जो धन बचा उसका 3/5 दिया पत्नी को, फिर उसके पास इस सबको देने के बाद भी बचा हुआ है कितना 24 lakh। तो बोला गया कि उसके पास कितना धन था। शुरू किया जाए तब तो देखिए यह क्या लिखा हुआ है, तो जो शेष वाला क्वेश्चन है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब शेष या बचा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया शेष का या बचे हुए का। तो जो भी शेष वाला क्वेश्चन है रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है तो आप भी सबका शेष लिखिएगा, सबका क्या लिखिएगा शेष लिखिएगा। तो आइए टोटल धन मान लिए क्या चीज, तो एक्स पहला को कितना दे दिया तो उसके पास बच कितना गया 2/3, दूसरा को कितना दे दिया तो 2/5 का शेष बोलिए, वाइफ को कितना दे दिया तो 3/5 का शेष बोलिए, लेकिन सब देने के पास उसके बाद बच कितना गया 24 lakh। एक्स का मान निकालिए, कैलकुलेशन कर लिए कितना आ गया। चलिए कितना बार कट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया कितना 1575 × 2 150 क्या चीज, 150। तो जो भी देखिए इस शेष वाला क्वेश्चन रहेगा या कहेगा कि बचे हुए का इतना दिया बचे हुए का इतना दिया बचे हुए का इतना दिया या शेष का इतना फिर शेष का इतना फिर शेष का इतना, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा सबका शेष लिख के, सबका क्या लिख के शेष लिख के। ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर जो लिखे 2/3, 3/5, 2/3 बचा हुआ पार्ट लिखते हैं कि दिया हुआ पार्ट, हाँ बचा हुआ पार्ट लिखना है, दिया हुआ नहीं लिखना है बचा हुआ लिखना है। और फिर से पहले भी यूज आया था फिर से बता रहे हैं, कोई पूछे कि 7/12 का शेष बोलिए या रिमेनिंग ऑफ 7/12, तो इसके लिए क्या करते थे शॉर्टकट मेथड में आपस में घटाए। जनरल बात तो यह हुआ इसके शेष का मतलब तो यह हुआ कि कोई चीज जब बटा में लिखते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं तो टोटल का मान कितना होता है 1, तो 1 में 7/12 माइनस करिए, 1 में 7/12 घटाइए तो बचा कितना 5/12। लेकिन हम लोग शॉर्टकट कैसे सोचते हैं, हाँ इसको आपस में क्या करते हैं घटा लेते हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं 12 में से 7 घटा लीजिए 5/12। फिर से यदि परसेंटेज में रहता तब 20% का शेष बोलिए 80%, या सीधा सोचिए कोई आदमी अपना 20% धन दे दिया तो उसके पास बचा कितना 80%, ऐसे सोचना। तो आइए अगले क्वेश्चन पर,
लिखा हुआ है कि 40% बुक्स इन ए लाइब्रेरी आर इन इंग्लिश, कोई पुस्तकालय में 40% पुस्तक क्या चीज में है, इंग्लिश में। रिमेनिंग ऑफ 60%, शेष का 60% है हिंदी में। रिमेनिंग ऑफ 25% इन उर्दू, और शेष का 25% है उर्दू में। एंड द रिमेनिंग 5400 बुक्स आर इन अनदर लैंग्वेज, आई सब के बाद बचा हुआ 5400 पुस्तक अदर लैंग्वेज में है। हाउ मैनी बुक्स आर इन हिंदी, तो बोला गया है कि हिंदी में पुस्तकों की संख्या बताइए। तो तुरंत मान लीजिए टोटल बराबर एक्स, और देख लिए जैसे ही कि रिमेनिंग रिमेनिंग लिख रहा है, शेष लिख रहा है, तो सबका शेष लिखना शुरू कर देंगे। तो 40% का शेष बोलिए, 60%, 60% का शेष बोलिए, 40%, 25 का शेष बोलिए, 75%, बराबर बचा हुआ शेष कितना, 54। कैलकुलेशन किया जाए, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऊपर वाले को गुना करिए, 3 × 2 6 × 3 कितना, 18, गुना करिएगा 18, 18 से ही के बार कटेगा 300। और अब x का मान आ जाइए, तो आइए 5 × 5 बोलिए, 25 × 4 बोलिए 100, और 100 से गुना करिए 3 पर, के को 0, 4। ये आपको निकला टोटल, लेकिन हमसे टोटल नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हिंदी में कितना पुस्तक है। तो ये बोलिए हिंदी में कितना पुस्तक था, 60%, 60%, क्या टोटल का 60%, नहीं, रिमेनिंग का यानी शेष का। तो किसके शेष का, इंग्लिश वाले के शेष का कितना परसेंट, तो टोटल हो गया कितना, 30,000। तो इसमें से पहले इंग्लिश वाले को हटा दीजिए, निकाल दीजिए, तो इंग्लिश में के परसेंट, तो 40% पुस्तक इसमें से पहले अलग कर दीजिए, तो बचा कितना, 60%। आज जो बचा उसी का 60% आपको क्या चीज में है, हिंदी में। हिंदी में है कितना परसेंट, तो 60% तो निकाले ही, लेकिन किसका 60%, टोटल में से पहले इंग्लिश वाले को निकालिए, आज जो रिमेनिंग बच गया, जो शेष बच गया, उसका कितना परसेंट, 60%। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए, ये समझा गया। चलिए 6 × 6 बोलिए, 36, 36 गुना 3 बोलिए, 108, 108, 108 पर के गो 0, 2 गो। रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। चलिए फिर से, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव था, तो वो पहले कस्टमर को टोटल का हाफ आ एक और दे देता है अलग से। जब उसके पास दूसरा कस्टमर आता है, तो जो सेव उसके पास बचा हुआ था, उस रिमेनिंग ऑफ 1/3 बचे हुए का 1/3 एंड 1 मोर, यानी उसको दिया बचे हुए का 1/3, आए उसको भी एगो अलग से दिया, ये कहिए को फ्री में दे दिया। अब तीसरा कस्टमर आया, तो उसके पास जो भी सेव बचा हुआ था उसका कितना दिया है, 1/5 एंड 1 मोर, उसको भी एगो फ्री में दे दिया है। तो के गो कस्टमर को दे दिया, वो तीनों कस्टमर को देने के बाद उसके पास के गो सेव बचा हुआ है, 3 गो सेव अभी भी बचा हुआ है। तब बोला गया है कि बताइए बिगिनिंग में उसके पास कितना सेव था, शुरुआत में उसके पास कितना सेव था। तो मेथड तो वही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। टोटल मान लेते हैं x, पहला को कितना दिया, आधा, तो बचा कितना, आधा, आ एगो और दे दिया, तो +1 की -1। हाँ पहले सोच लीजिए, हम लोग जो लिखते हैं वो बचा हुआ पार्ट की दिया हुआ पार्ट, बचा हुआ पार्ट,
तो फल विक्रेता आधा दे दिया तो उसके पास आधा बच गया, और उसमें से एक और फ्री में ग्राहक को दे दिया, तो यहाँ पर क्या लिख दे, -1। अब आइए दूसरा ग्राहक आया, उसको कितना दिया, हाँ 1/3, तब कितना बच गया, 2/3, और उसको भी एक और फ्री में दे दिया, तो -1 की +1, -1। चलिए तीसरा ग्राहक आया तो बचे हुए का उसको कितना दे दिया, 1/5, तो 1/5 का शेष बोलिए, 4/5, 4/5, और उसको भी एक अलग से दे दिया, तो इस सबको दे देने के बाद उसके पास कितना सेव अभी बचा हुआ है, 3 गो बचा हुआ है, तो बराबर में क्या लिख दिया जाए। तो आइए अब कैलकुलेशन देखा जाए, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, एकदम ध्यान से देखिए, ये दिक्कत है, जो यूट्यूब पर देखते हैं उनको तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो अंडरलाइन करते चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले यह 1 को राइट साइड ले जाएगा तो इसमें क्या होगा, जुटेगा, तो बोलिए हाँ 1 की 3 में जोड़ लीजिए 4। अब ऊपर से ऊपर कटता है, या कहिए ऊपर वाला से भाग देते हैं, नीचे वाला से गुना करते हैं, तो फिर से 1 इसमें जोड़ दीजिए, ये 4 से भाग दीजिए 1, आई 5 से गुना करिए 5, 5 में 1 जोड़िए, 2 से गुना करिए, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए 3, आई 3 से गुना करिए, 9 में 1 जोड़िए, 10 में 1 से भाग दीजिए, और 2 से गुना करिए, अंशरूप। कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 पेंसिल्स आर RS 100। 2 पेन प्लस 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 4 पेंसिल। बोला जाए कितना। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, a+20 = 30, a का मान बोलिए, और अब फिर बोला जाए a+b = 30, a का मान बोलिए, तो ये का निकलेगा क्यों नहीं, तुम नहीं, मैथ का रूल है कि जितना अननोन है उतना तरह का इक्वेशन चाहिए, जितना अननोन है उतना तरह का इक्वेशन चाहिए, तो इस ये इक्वेशन नंबर 1 है, एगो इक्वेशन है, तो अननोन आइटम के गो है, एगो, तो इसीलिए निकल जाता है, आई आप एगो इक्वेशन दे रहे हैं इसमें अननोन के गो है तो कैसे निकलेगा, तो जितना नोन है उतना ही तरह का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तो आप एक इक्वेशन यहाँ दे रहे हैं, इसमें नोन आइटम 1 है कि 2 है, 2 है, एगो पेन है एगो पेंसिल है, तो एक इक्वेशन से 2 चीज का मान कहीं निकलता है, नहीं निकलता है, तो आंसर क्या हो गया, तय नहीं कर सकते, आंसर हो गया डेटा इंडिक्वेट, जानकारी अधूरी है, आंकड़ा अधूरा है, तय नहीं कर सकते, कहना संभव नहीं। चलिए तो शुरू किया जाए, कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 पेंसिल और RS कितना, 100, सेम तरह का फिर बात है, अब बोला गया है कि 6 पेन प्लस 9 पेंसिल का कॉस्ट बताइए, तो बोलिए निकालना संभव है कि नहीं, संभव है, क्यों संभव है, हाँ इसका ही कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, पूरे का ही नहीं कि एगो का, पूरे का, यहाँ देखिए इसका भी यह 3 टाइम्स है, इसका भी यह, तो आंसर भी 3 टाइम्स आंसर हो गया, और एक होता 3 गुना 3 टाइम्स, एक होता 4 गुना, तब फिर नहीं निकलता, तब फिर निकालना संभव नहीं था।
लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स एंड 15 टेबल्स आर RS 70,000। तो लिख रहे हैं ये, समझा गया? सी मतलब चेयर को डिनोट किए हैं, टी मतलब टेबल का डिनोट किए हैं। अब आ जाइए फर्स्ट में, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 3 टेबल। बोला जाए निकालना संभव है कि निकालना संभव है, तो इसका ये कितना टाइम्स है, 5 टाइम। इसका ये दोनों में 5 से डिवाइड करेगा तो 4 और 3 आ जाएगा, या कहिए ये दोनों में 5 से गुना करेगा तो 20 और 15 आ जाएगा। तो आंसर बोलिए, बटा 5 की इंटू 5, बटा 5, तो बटा 5 करिए। दूसरा में बोला गया है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। बोलिए इसका निकालना संभव है कि नहीं? नहीं संभव है। क्यों नहीं? क्योंकि पूरा पूरा मल्टीपल में नहीं है। इसका ये 20 गुना होगा तो इसका ये 15 गुना होगा, तो आंसर हो गया तय नहीं कर सकते। आई चैप्टर में जो है ना, बहुत आपको टाइप जल्दी नहीं मिलेगा, सब एकदम डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए तो आइए, लिखा हुआ है कि एक आदमी 1 रुपया पाता है एवरी करेक्ट हिट। मेला में बैलून फोड़ने वाला होता है ना, तो क्वेश्चन कहता है कि जब आप 1 बैलून फोड़िएगा तो आपको 1 रुपया मिलेगा, और यदि आपका निशाना गलत हो जाएगा, यदि आपका निशाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। और इस तरह से वो 30 रुपया पाया है 100 निशाना लगा करके, 100 टाइम्स जब निशाना लगाया तो उसको मिला के रुपया, तो कितना बार सही लगाया कितना बार गलत लगाया। ये तो हमेशा जब भी बात दो तरह का हो तो क्या करते हैं, पहले 2 पार्ट में बांट देते हैं। बहुत तरह का मेथड है, लेकिन सबसे प्रचलित और याद रहने वाला मेथड यही होता है, ये देखते आदमी पहले इसको 2 पार्ट में बांट देता है। तो एगो 100 गया, 100 माइनस x। चलिए x को मान लीजिए सही वाला, तो 100 माइनस x क्या हो जाएगा, गलत वाला। या x को मानिए ही गलत वाला, तो ये हो जाएगा क्या चीज वाला, सही वाला। तो ये मान लीजिए कि राइट था, या इतना करेक्ट निशाना था तो इतना गलत निशाना था। इसको भी गलत मान सकते हैं, इसको भी सही मान सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब आइए, माना कि 1 बार सही लगाया, तो सही लगाने पर कितना मिला, +1 यानी 1 रुपया से गुना किया, गलत लगाने पर 1 रुपया कटा, तो डिनोट करने के लिए गुना कितना से करना होगा, -1 से। और सब जोड़ घटाओ जब कर लिया गया तो उसको फाइनली कितना मिला, 30 रुपया। एक्स का मान निकालिए, आंसर, रुक जाइए अभी उतारिएगा बाद में। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं, एक्स को, सिर्फ और सिर्फ एक्स को। तो इधर कितना है एक्स, 1x, आई भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 1x। तो ये दोनों प्लस एक्स की प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, तो के गो 100 गया। अब एक बार में सिर्फ नंबर को देखा जाए तो इससे इसमें गुना करिए, 100 माइनस में कि प्लस में, और उधर जाके प्लस में। चलिए 2 से कटाइए और आंसर हो जाएगा 65। 65 सही निशाना लगाया कि गलत, 65 जो है सही लगा। तो आइए, सही निशाना के को लगाया, 65 को, और गलत वाला पूछेगा तब, तो 100 माइनस 65। क्वेश्चन का एक मेथड नहीं है, 10 तरह का मेथड है, लेकिन यह मेथड यूज में ज़्यादा आता है, क्योंकि पहले से ऐसा पढ़ते। बुक में देखिएगा और भी तरीका से इसको बनाए हुए हैं,
या दूसरा तरीका देख लीजिए। हालांकि आप ऐसे ही बनाइएगा, जब एग्जाम होता है ना तो आदमी का जो आदत होता है वही आदत वहां पर आ जाता है। आप कितनों मेथड ट्रिक सोचिए, जो आदत बना लिए हैं वही आदत पहले ही याद आता है जल्दी में। जैसे हम मगही भाषा शुरू से बोले हैं, जाने हैं, वहीं पैदा हुए हैं, तो कितनों हम यहाँ का सोचते हैं ना तो एक तो पूरा सीख ही ना पाते हैं, आज जल्दीबाजी में कुछ बोलना होता है तो अपने भाषा बोलने लग जाते हैं, आदत पड़ा हुआ है। चलिए फिर से सुनिए। मान लीजिए आपको सही वाला निकालना है कि गलत वाला, चलिए कोई भी निकालना है, खैर छोड़िए। मान लीजिए कि हमेशा सही निशाना लगाया, टोटल के गो निशाना लगाना था, 100 गो, आज सबके सब सही लगा दिया, इसको मिलता कितना, 100 रुपया, लेकिन मिला कितना, 30 रुपया। कितना का डिफरेंस आ गया, 70 का। इस 70 का डिफरेंस आ का है गया, 70 का डिफरेंस आ का है गया। हाँ तो हम लोग सही सही नहीं माने इसलिए इतना आ गया। चलिए सही लगाने पर +1 मिलता है और गलत नहीं लगाने पर -1, तो ये दोनों का डिफरेंस तो बोलिए 2। ये फिर से ये जो हम शुरुआत किए हैं सही मान के कि गलत मान के, सही मान के माना कि सबके सब कैसा निशाना लगाया, सही निशाना लगाया, तो सबके सब सही लगाता तो उसको मिलना कितना चाहिए था, लेकिन मिला के रुपया, डिफरेंस आ गया के रुपया का, काहे 70 रुपये का डिफरेंस आ गया, इसलिए कि सही सही हम नहीं माने। तो एक एक गलत वाला को सही कर देने से के रुपया बढ़ जाता है, 2 रुपया नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप सही निशाना लगाए तो आपको 1 रुपया मिलता ना, लेकिन आदमी उसको गलत कर दे तो आपको उल्टे 1 रुपया देना पड़ गया, तो के रुपया का अंतर पड़ गया, 2 रुपया का। तो वो 2 रुपया के अंतर के कारण अंतर आ गया है के रुपया का, तो ये कितना हो गया, आई हो गया आंसर। अब देखिए मानिएगा सही वाला तो निकल जाएगा गलत वाला, अब मानिएगा गलत वाला तो निकल जाएगा सही। चलिए फिर इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी पढ़े, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक किसान के पास कुछ मुर्गा मुर्गी था और कुछ क्या चीज था, बकरा था। बोला गया है कि उसका हेड जब जोड़ता है, उसका सिर जोड़ता है तो के गो था, हेड जोड़ने का सिर जोड़ने का मतलब दुनिया में लगभग जितना चाहिए सबका तो एक एक गो ना सिर होता है, यानी सबका संख्या जोड़ा, हेड जोड़ने का मतलब टोटल संख्या, तो उसका टोटल संख्या कितना था, और जब उसका पैर जोड़ा तब टोटल कितना था, गलती लिखा गया। हाँ फिर से यहां क्या कर लीजिए, 640 कर लीजिए, टोटल 240, उसका सिर का संख्या पैर का संख्या कितना है, 640। तब बोला गया है कि नंबर ऑफ हेंस बताइए, नंबर ऑफ गोट्स बताइए, कुछ भी निकालना है, यही दो मेथड बता देते हैं। तो आइए फर्स्ट मेथड जो एकदम जेन्यून मेथड है, जनरल मेथड है, जो बचपन से पढ़ने का आदत है हम लोग का। जैसे ही दो तरह का देखे तो पहले दो भाग में बांट देंगे, 240 को दो भाग में बांट दीजिए, इसलिए कि सब मिला के गो है 240 को, तो दो भाग में बांटने का रूल क्या है, पहला पार्ट क्या मानते हैं, एक्स, और दूसरा टोटल माइनस एक्स, यानी 240 माइनस एक्स, तो ये एक्स और 240 माइनस एक्स सिर का संख्या है कि पैर का, अब आपको निकाल देना है किसका, पैर का। चलिए यहाँ डिनोट कर देते हैं एच से और जी से, इसका मतलब समझा गया। हाँ चलिए तो ये बोलिए मुर्गा मुर्गी का पैर के गो, 2 गो की 4 गो, तो इसमें गुना कर दिए 2 से, बकरा का पैर के गो, 4 गो, और सब मिला के टोटल के गो, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 640 गो, 640। एक्स का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा, तो आइए रुक जाइए रुक जाइए, कैलकुलेशन में तो मेन है, इधर कितना एक्स,
टू एक्स, सॉरी इधर ये माइनस है, ये प्लस है, तो जुटेगा कि घटेगा? घटेगा, तो कितना एक्स? टू एक्स। माइनस प्लस नहीं दे लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, सिर्फ ही देखना है जुटेगा कि घटेगा, तो हम जानते हैं घटेगा, तो कितना एक्स? टू एक्स। अब एक बार में नंबर को देखिए, तो चार गुना 240 बोलिए 960, और इधर का नंबर आई बोलिए 960 और 640 जुटेगा कि घटेगा? हाँ, इसलिए कि ये भी प्लस आई भी प्लस, दोनों एक तरफ जाएगा तो कोई ना कोई एगो तो घटेगा, तो कितना? 320, दो से 320 को कटाइए, आंसर हो गया 160। 160 मुर्गा का संख्या माने थे कि बकरा का, तो आंसर हो गया 160। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल किसका संख्या निकालना है? मुर्गी का, तो मान लीजिए कि सबके सब बकरा है, तो जो निकालना है उसके उल्टा मानना है, अपोजिट मानना है, तो 240 को संख्या है और सब मान लीजिए क्या चीज है? बकरा है, तो 240 गुना कितना? 4। टोटल संख्या कितना? 960। 960 किसका संख्या? पैर का। 240 को बकरा मान लिए तो पैर होना चाहिए के गो, लेकिन क्वेश्चन में तो 640 गो पैर है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना? 320। तो 320 डिफरेंस क्यों आ गया? इसलिए कि सही सही नहीं माने, तो अब एक ऊपर डिफरेंस निकालिए, तो एक मुर्गी का पैर कितना? 2। एक बकरा या बकरी का पैर कितना? 4। ये दोनों में डिफरेंस कितना? तो डिफरेंस में डिफरेंस से भाग दिया, ये हो गया टोटल डिफरेंस, एक ऊपर डिफरेंस कितना का पड़ रहा है? 2 का, तो 320 बटा 2 कितना? 160। तो जो यहाँ आप माने थे उसका ही अपोजिट निकलता है, माने कि सब बकरा है थी मुर्गी का संख्या, मानते कि सब मुर्गी है थी बकरा का निकलता है।